अन्नदाता किसान यूनियन की आम सभा में यूनियन की कोर कमेटी का गठन किया गया जो देश भर में किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करेगी। यूनियन के अध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह विक्र ने कोर कमेटी से किसानों के मामलों पर सकारात्मक पहल करने का आह्वान किया। अन्नदाता किसान यूनियन की आम सभा की अध्यक्षता सरदार गुरुमुख सिंह विर्क ने की। यूनियन की आम सभा में अध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह विर्क ने राष्ट्रीय कोर कमेटी का गठन किया जिसमें देवेंद्र दादू बिहार, सुरेश अग्रवाल मध्य प्रदेश, के कमल जम्मू कश्मीर, डॉक्टर रिजवान रामपुर, रणजीत सिंह पंजाब, नरेश कुमार और राजकुमार दादरी हरियाणा, नूर मोहम्मद एवं नरेंद्र उत्तर प्रदेश, अशोक मिश्रा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, मंजू पाठक इलाहाबाद, मंजू थापा उत्तराखंड आदि को शामिल किया गया है। तट पे हम सालाना जो विचार गोष्ठ होती है हमारे जो हमारे प्रदेशों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए जैसे जैसे आते हैं हमारी मीटिंग करके और उनको हम हल करवाते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है अभी ये एक जो खास करके मुद्दा है वो एक खादर की जमीन दिल्ली के अंदर जो सरकार मोदी सरकार ने और केजरी की जो सरकार है वहाँ आप पार्टी की उन्होंने आज से एक महीना पहले जो एक 100 साल से पुराने लोग वहाँ बसिंदे थे, 100 साल का उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उनकी ज़मीनों के अंदर बलडोजर चलाकर उनके जो मकान है उनकी ज़मीनों को है सब फसलों को नष्ट कर दिया और वहाँ उसके ऊपर काबज हो चुके हैं। मगर हम होने नहीं देंगे, वहाँ हमारा धरना चला हुआ है और वो धरना केजरी सरकार जो है वो उसको हल्के में मत ले। वो हमारा एक संगठन है, मेरी ही वजह से कुछ रुका हुआ था, मैं अपने शरीर की मेरा कुछ मैं परेशानी है मेरी, एक दो महीने के लिए मैंने रोका हुआ था। आज गंगा के मैया के तट पे हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि भाई उसके बाद 15-20 दिन के अंदर हम कोई ऐसा फैसला लेंगे। हज़ारों के लोग जो हैं उसी के जहां हमारा धरना है और पूरा विरोध आर पार की लड़ाई करेंगे और उन गरीबों के हक के अंदर वो जो जमीनें हैं फिर उनकी बहाल करवाएं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।